जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू अगेन इनटू द नेक्स्ट सेशन ऑफ आवर फिजिक्स, दैट इज योर चैप्टर टू। ठीक, टेंथ क्लास का एनसीईआरटी फिजिक्स हम कर रहे हैं अभी। ठीक, डोंट वरी, आप इस चीज पे, इस जो सिलेबस में आपको करा रहा हूँ उस पर आप कंप्लीटली रिलाई करते हो फॉर द डिफेंस एग्जाम लाइक एनडीए सीडीएस एंड सीएपीएफ। ठीक, डोंट वरी अबाउट दिस, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। हम टेलिंग यू, ये चीजें हर कोई नहीं करता, बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने भी नहीं की थी इनिशियली, तो आप करो। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, दिस इज आवर चैप्टर नंबर टू। सो स्टार्ट विद दिस चैप्टर। आज हम अपनी आंख के बारे में बात करेंगे, बहुत फड़फड़ाती है ना, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय लेंसेस। ठीक, यू ऑल्सो स्टडीड द नेचर, पोजिशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज formed by lenses, पढ़ी हमने। So how can these ideas help us in the study of the human eye? The human eye uses light and enables us to see objects around us. हमें कोई चीज़ क्यों दिखती है, आपको मैंने अगर पिछली वीडियो में बताया हो, अगर आपको याद हो, तो इसलिए नहीं दिखती कि हमारी आँख उसको देख पाती, न हो इसलिए दिखती कि उस पर लाइट टकरा के हमारी आँखों तक पहुँचती है, तब हमें दिखती है। ठीक, इट हैज़ अ लेंस इन इट्स स्ट्रक्चर, आँख के अंदर एक लेंस है जिसको बोलते हैं हम स्फेरिकल लेंस, या फिर क्या बोलते हैं, अभी आगे आएगा। What is the function of the lens in a human eye? How do the lenses used in spectacles correct defects of vision? कैसे हम काम करते हैं? Let us consider three questions in this chapter. We have learned in the previous chapter about light and some of its properties के बारे में पढ़ा है. So in this chapter we shall use these ideas to study some of the optical phenomena in nature. We shall also discuss about rainbow formation, splitting of white light and blue color of the sky. मतलब ये सब के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि रेनबो, इंद्रधनुष। ठीक, हमारा का आसमान का रंग सफ़ेद और नीला क्यों दिखाई देता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक, अब सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन आई। सो द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंसर ऑर्गन है हमारा। इट हमको इनेबल करता है, जिससे हमको हमारा दुनिया दिखता है एंड कलर्स अराउंड अस। अपनी आंखें बंद करें तो वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्मेल। स्मेल से तो कुछ दूरी तक के पहचान सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं। टेस्ट से भी थोड़ा बचा सकते हैं, साउंड से दे मेक और बाय टच। इट इज हाउएवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स व्हाइल क्लोजिंग द आईज, ऑब्वियसली। दस ऑल ऑफ दीज सेंस ऑर्गन्स, द ह्यूमन आई इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन एज इट एनेबल्स अस टू सी द ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक, ये हमारी कहानी है या फिर इंट्रोडक्शन है हमारी आंख का। सो द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा। ठीक, इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना, पर हमारा इमेज बनता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनेगा इमेज, डन विद दिस, नोट कर लेना। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। ठीक, हमारी यहाँ से क्या होती है, लाइट एंट्री करती है। ठीक, इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सर्फेस ऑफ द आई वॉल एज सोन। ठीक, इधर करती है। द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप, इधर डायमीटर, जिसका डायमीटर कितना है, अबाउट 2.3 सेंटीमीटर, यानी कि 2.3/2 अगर आप कर दोगे तो आप निकालोगे इसकी रेडियस कितनी है। सो मोस्ट ऑफ द रिफ्रेक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सर्फेस ऑफ द कॉर्निया। तो जो भी रिफ्रेक्शन मैक्सिमम होता है ना, वो सब कहाँ होता है, कॉर्निया की बाहरी सतह पर होता है, इधर ही। सो द क्रिस्टलाइन लेंस मेयरली प्रोवाइड करता है द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ, जो रिक्वायर्ड होता है टू फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑन द रेटना पर, नहीं समझे। देखो, जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है, हमारी आंखों में कौन सा लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस है। ठीक, ये मेयरली ही प्रोवाइड करता है फाइनर एडजस्टमेंट या फोकल लेंथ को, जिसके लिए रिक्वायर्ड है, किसके लिए, फोकल फोकस करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटना पर। ठीक, सो वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आयरिस। आयरिस क्या करता है, जो कॉर्निया के पीछे होता है, ये देखो ये आयरिस है। ठीक, आयरिस बिहाइंड द कॉर्निया, आयरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम है, वो कंट्रोल क्या करता है, साइज ऑफ द पीपल। एक ये क्वेश्चन बन गया कि आयरिस कंट्रोल करता है हमारा पीपल का साइज। ठीक, द पीपल रेगुलेट किसको करता है एंड कंट्रोल करता है द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आवर आई, हमारी आंख में जो लाइट एंटर करेगी कितनी करेगी, ज्यादा या कम, वो कौन डिसाइड करेगा, वो प्यूपिल डिसाइड करेगा। ठीक,
और पीपल को कंट्रोल कौन करेगा? आयरिस करेगी। समझ गए? समझ गए? The eye lens forms an inverted real image of the object. Remember, सबसे पहले आई लेंस का नाम क्या है? क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक। और ये कौन सी इमेज बनाता है? इनवर्टेड, यानी कि रियल होगी तो हमारी कैसी होगी? इनवर्टेड इमेज होगी, उल्टी और वास्तविक इमेज, ठीक, ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना पे बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इमेज फॉर्मेशन एट रेटिना। ऐसी कंफ्यूज होगी, वो बोल देगा इमेज कहाँ फॉर्म होती है? रेटिना, कॉर्निया, आयरिस या फिर पीपल, कंफ्यूज, क्योंकि सारे पढ़ रखे होते हैं, हमें नहीं पता किसका क्या होता है। तो इमेज रेटिना पे होती है। सो द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं इसमें। एंड द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट क्या करते हैं? हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। कौन? हमारे लाइट सेंसिटिव सेल्स जो भी होते हैं, एक्टिव होते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। एंड दीज सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व। एक क्वेश्चन आया था कि ऑप्टिक नर्व इज अ पार्ट ऑफ विच पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स में, तो आई भी उसमें ऑप्शन में था, ठीक। तो हमारी आंख जो भी देखती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करने के बाद ऑप्टिक नर्व उसको लेके जाती है ब्रेन तक। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दीज सिग्नल्स एंड फाइनली प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को सो दैट द परसीव ऑब्जेक्ट्स एज दे आर, ठीक। यहाँ पे दे रखा है कि डैमेज टू और मॉल फंक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द विजुअल सिस्टम कैन लीड टू सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ विजुअल फंक्शनिंग। जैसे कि एग्जाम्पल, इफ एनी ऑफ द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, लाइक कॉर्निया हो, पीपल हो, आई लेंस हो, एक्यूमस ह्यूमर हो या फिर बेचूरस ह्यूमर हो, और दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ लाइट टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लाइक द रेटिना और इवन द ऑप्टिक नर्व, तो ट्रांसमिट क्या करेंगे? दीज इम्पल्सेस टू द ब्रेन इज डैमेज्ड, इट विल रिजल्ट इन विजुअल इंपेयरमेंट। अब आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा दैट यू आर नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली फॉर सम टाइम। थोड़ी देर के हमें कभी कभी धुंधली दिखाई देती ना, वेन यू एंटर फ्रॉम ब्राइट लाइट टू अ रूम विद डिम लाइट। आप चमकते हुए, मतलब आप जहाँ रहते हो, आप बाहर से आ रहे हो, एकदम भारी दोपहर, जून का महीना है, तड़पता उड़ो एकदम 21 जून, और आप अचानक से आके एक अंधेरे रूम में घुस गया, पूरे एक से कुछ सेकंड के लिए ना, कुछ मिनटों के लिए बना आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक। एंड आफ्टर सम टाइम हाउएवर यू मे बी एबल टू सी थिंग्स इन द डिम लाइट रूम, ठीक। द पीपल ऑफ एन आई एक्ट करता लाइक अ वेरिएबल एपर्चर। यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, द पीपल, ठीक, लाइक एन आई एक्ट लाइक अ वेरिएबल एपर्चर हूज साइज कैन बी वेरीड विद द हेल्प ऑफ द आयरिस। आयरिस क्या करता है? पीपल का साइज घटाता बढ़ाता रहता है। अगर आप अंधेरे में हो, आपका साइज बढ़ा देगा, पीपल का साइज बढ़ा देगा कौन? आयरिस। एंड इफ यू आर इन अ ब्राइट प्लेस, आपका पीपल का साइज रिड्यूस कर देगा कौन? आयरिस। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल रिविजन रिक्वायर्ड फॉर दिस। सो वेन द लाइट इज वेरी ब्राइट द आयरिस कॉन्ट्रैक्ट करता है पीपल को टू अलाउ लेस लाइट टू एंटर, इसलिए पीपल क्या रहता है? छोटा हो जाता है। हालांकि इन डिम लाइट आयरिस क्या करता है? एक्सपेंड करता है पीपल को टू अलाउ मोर लाइट टू एंटर द आई, एंड इस प्रकार द पीपल ओपन्स कंप्लीटली थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ द आयरिस, ठीक। समझ गए? लेट्स टॉक अबाउट द पावर ऑफ अकोमोडेशन। और मत होना यार, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ अ फाइबरस जेली लाइक मटेरियल, इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलेरी मसल, ठीक। आई का जो कर्वेचर है उसको कौन मॉडिफाई करता है? सिलेरी मसल्स, ठीक। सो द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। व्हाट इट? आई लेंस का अगर हमने कर्वेचर चेंज किया तो हमारा फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। एंड व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड तो हमारी जो लेंस होती है वो पतली हो जाती है। जब हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, छोड़ दी जाती हैं, ढीली हो जाती हैं, तो हमारी जो आई की लेंस है वो पतली हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? हमारी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, ठीक। एंड ये हमको क्या करता है? दिस एनेबल्स टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, जिससे हम दूर के ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। अगर व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट्स क्लोजर टू द आई, अगर आपकी आंख के पास के हैं कुछ आइटम जो आप देख रहे हो, द सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं अपने आप को, जिससे क्या होता है? जो लेंस होता है हमारा, दिस इंक्रीजेस द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, हमारे आंख का कर्वेचर बढ़ जाता है और हमारा लेंस क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, ठीक। और जब लेंस मोटा हो जाता है, इसके वजह से फोकल लेंथ हमारे आई की कम हो जाती है। दिस इनेबल्स अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मल्टीपल यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्ट्स कि क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, ये देखो। सबसे पहले आप पास वाले देखना चाह रहे हो, ठीक है, आप ये बैठे हो,
कोई चीज आपके पास में रखी हुई, इसको आप देखना चाह रहे हो, ठीक। अगर आप इसको देख रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या होगा, सिलेरी मसल होती है हमारी, सिलेरी मसल क्या होगी, अब आपको देखना पास का, तो वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक, पास में आ जाएगी, एकदम पास में आ जाएगी। अब जैसे ही पास में आएगी, ये इससे क्या करेगा, हमारा जो कर्वेचर ऑफ द आई लेंस है ना, लेंस का कर्वेचर क्या हो जाए, ये बढ़ जाएगा, लेंस कर्वेचर यानी कि सी, ये बढ़ जाएगा। जैसे कर्वेचर बढ़ा, हमारा जो लेंस है ये मोटा हो जाएगा, और लेंस मोटा होते ही क्या हुआ, हमारे आंखों की फोकल लेंथ जो हम दूर तक देख रहे थे वो हम पास में देखेंगे, ठीक, और इससे हम पास में देखेंगे। इससे क्वेश्चन आएगा, मुझे लग रहा है इतना कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा है, तो इट नीड्स अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड आपका माइंड का क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, ठीक। सो द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एकोमोडेशन क्या है, हमारी आंख का अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, उसका एकोमोडेशन होता है। सो हालांकि द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज्ड बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट, ज्यादा हम नहीं कम कर सकते। सो ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज वाई होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू योर, अपने एकदम आंखों में घुसेड़ के पढ़ोगे नहीं पढ़ा जाओगे ना आपसे। सो यू मे सी द इमेज बींग ब्लर्ड और फील स्ट्रेन इन द आई, टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टिवली यू मस्ट होल्ड इट अबाउट 25 सेंटीमीटर, आपके आंख से 25 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। That is your minimum distance at which object can be seen most distinctly without dag dhabbe ke is called the least distance of distinct vision. ये PYQ है, कितना होता हमारा 25 सेंटीमीटर होता है, PYQ है। So it is also called the near point of the eye. ठीक, for a young adult with normal vision the near point is about 25 सेंटीमीटर. The farthest point up to which the eye can see object clearly is that is called the far point of the eye. हमारे यहाँ कितना दूर तक देख सकती है, infinity देख सकते हैं भाई साहब, हम आसमान में भी देख सकते हैं एंड बियॉन्ड द स्काई भी देख सकते हैं, जो भी हमें दिख जाए। सो इट इज इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई, समझ गए। यू मे नोट हियर अ नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, देयर आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की हो जाते हैं, दूधिया एंड क्लाउडी हो जाते हैं। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटारेक्ट। सो क्या बोलते हैं हम इसको, आंख के रोग को कहते हैं कैटारेक्ट को हिंदी में, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को यार, सो कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कैटारेक्ट, कैटारेक्ट आँख का दूधिया हो जाना बुढ़ापे में आ जाता है ना मोस्टली, तो यार एग्जैक्टली अभी दिमाग नहीं आ रहा। दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, जिससे हमें या तो कंप्लीट मतलब बिल्कुल दिखाई देता है, फिर थोड़ा दिखाई देता है। सो इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटारेक्ट सर्जरी, से हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। मोतियाबिंद, यस ठीक, इसको बोलते हैं मोतियाबिंद। चलो, so why do we have two eyes for vision and not just one? हमारे पास दो आंखें क्यों, हम एक क्यों नहीं, हमारे पास एक होती तो हम देख सकते हैं ना। So there are several advantages of our having two eyes instead of one. It gives a wider field of view, हम ज़्यादा चौड़ा देख सकते हैं। अगर मतलब हमारी चेहरा ये है, ओह क्या बात, कौन है, क्या नाम, तो हमारी दो आंखों का क्या फायदा है, इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। अ ह्यूमन बीइंग हैज अ हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अबाउट 150 डिग्री, हम ऊपर नीचे कितना देख सकते हैं अपनी आंखों से, अगर एक जगह रोक रखें तो ऊपर से नीचे अगर एंगल होगा तो 150 डिग्री, और अगर लेफ्ट टू राइट की बात करें तो हम 180 डिग्री देख सकते हैं हमारी दोनों आंखों से, सॉरी 150 देख सकते हैं एक आंख से, अगर एक आंख बंद कर लोगे अगर आप, तो आप लेफ्ट राइट देखोगे तो आप 150 देख पाओगे, लेकिन अगर आप दोनों आंखें खोल के देखोगे तो 180 देख लोगे विद टू आईज। सो द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट इज ऑफ कोर्स एनहांस्ड विद टू डिटेक्टर्स इंस्टेड ऑफ वन। कभी आपने देखा होगा किसी डेथ, किसी की मतलब डेथ हो जाती है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, उसकी आंख खोल के उस पर टॉर्च मारता है, क्यों, क्योंकि वहां पे जो मसल्स होती है ना, सिलेरी मसल्स, वो एकदम वो अनवॉलंटरी होती है, इनवॉलंटरी होती है, सॉरी, ठीक। तो आप जबरदस्ती कितना भी चाहो, लेकिन वो पुतली होती है ना, वो अपने आप ही सिकुड़ जाएगी या बढ़ जाएगी, जो भी होगा, तो उसमें आप नहीं रोक सकते, ठीक। सो सम एनिमल्स यूजली प्रे एनिमल्स, जो कि शिकार वाले होते हैं, हैव देयर टू आईज पोजीशनड ऑन अपोजिट साइड ऑफ देयर हेड्स टू गिव द वाइडेस्ट पॉसिबल फील्ड ऑफ व्यू, बट आर टू आईज आर पोजिशन इन द फ्रंट ऑफ आर हेड्स एंड इट दस रिड्यूस करती हैं आर फील्ड ऑफ व्यू इन फेवर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड स्टीरियोप्सिस, ठीक। आप एक आंख बंद करो एंड वर्ल्ड लुक्स फ्लैट,
टू डायमेंशनल कीप बोथ आईज ओपन एंड द वर्ल्ड टेक्स ऑन द थर्ड डायमेंशन ऑफ द डेप्थ बिकॉज आर आईज आर सेपरेटेड बाई अ फ्यू सेंटीमीटर. हमारी आंखें कितनी के सेंटीमीटर हैं, फ्यू सेंटीमीटर से सब दूर है. ईच आई सीज अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज दिखती है. आर ब्रेन कंबाइंस द टू इमेजेस इनटू वन. हम जो दो चीजें देखते हैं उनको हमारा दिमाग उनको एक चीज बनाता है. यूजिंग द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू टेल अस हाउ क्लोज और फार अवे थिंग्स आर. ठीक, अब डिफेक्ट की बात करते हैं, हमारे विजन आई और उसके करेक्शन कैसे हो सकते हैं. 15 मिनट हो गए भी, आई थिंक ये चैप्टर हम खत्म कर लेंगे इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बट स्टिल विल ट्राई. तो समटाइम्स द आई मे ग्रेजुअली लॉस इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन. ठीक, इन सच कंडीशन द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टिवली एंड कंफर्टेबली. The vision becomes blurred due to the refractive defects of the eye. There are mainly three common refractive defects of vision, that is myopia, nikat drishti dosh, hypermetropia, dur drishti dosh, aur presbyopia, yani ki avindukta kya bolte hain usko, presbyopia, jisme dono hote hain. So these defects can be corrected by the use of suitable spherical lenses. We discuss below these defects and their correction. To ek ek karke baat karte hain. To sabse pehle we'll talk about myopia, yani ki nikat drishti dosh. Isme mein kya dikhta hai, नाम से लिखा हुआ है कि निकट दृष्टि दोष, मतलब कि आपको निकट का नहीं दिखेगा, बट एक्चुअली उल्टा होता है, इसमें हमें दूर का नहीं दिखता है. तो मायोपिया इज आल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस. अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट दिखती है क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंटिकली. ठीक है, सो द अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी. सच अ पर्सन मे सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर. In myopic eye, the image of the distant object is formed in front of retina. हमारा जो भी retina है, अगर मैं आपको बताऊँ, ये हमारी अगर आई आँख है, हमारा retina से कैसे बना दूँ आप, उसमें हमारी retina के पहले बन जाती है. ठीक, distant object is formed in front of retina. अगर आपका ये retina है, sorry मैं बताऊँ, हाँ जी, तो मेरे से बनेगी तो नहीं अच्छे से, मान लो ये हमारी आंख है, इधर से लाइट आ रही है. ठीक, ये रेटिना है हमारा, लाइट को यहाँ पड़ना चाहिए, बट क्योंकि हमारा आंख है तो चलो हम ज्यादा वो नहीं करते, हम नॉर्मल आंख ले लेते हैं. ठीक, ये हमारी लाइट एंटर कर रही है, हमारा रेटिना है यहाँ पर, लाइट आई आने के बाद इसको यहां मुड़ना चाहिए था, वहां ना मुड़ के आगे थोड़ा सा. ठीक, ऐसे आई और इधर बन, तो ये हमारा रेटिना है, तो रेटिना से थोड़ा सा आगे बन. ठीक, ये हमारा मायोपिया. ठीक, in front of retina and not at the retina itself. So this effect may arise due to किस वजह हो सकता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस पहला ही हो सकता है, दूसरा एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल. ठीक, दिस इफेक्ट कैन बी करेक्ट बाई यूजिंग अ कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर. आपका अवतल लेंस, जस्ट क्या मैंने आपको उल्टा बता दिया? यस, मैंने आपको उल्टा बता दिया, और ये कन्फ्यूजन मेरे को पहले भी था और लग रहा है आज भी सस्टेन कर रही है. हाँ जी, तो हमारी एक आंख है, ये हमारा रेटिना है, मान लो ये हमारा रेटिना है, लाइट विजन आता है वहां होने के बजाय यहाँ पे ही गिर जाता है. ठीक, लाइट आई रेटिना से पहली फॉर्म हो गई, बिफोर द रेटिना लिखा ना, हमारी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, बिफोर द रेटिना. ठीक, हमको अभी लाइट चाहिए यहां तक आनी चाहिए, इसके लिए हम कौन से यूज करेंगे, एक होता हमारा ये दैट इज योर कनकेव लेंस और एक होता हमारा ये दैट इज योर कन्वेक्स लेंस. अब ये क्या करता है, ये चीजों को क्या करता है, इकट्ठा करता है, और ये क्या करता है, ये चीजों को फैलाता है. तो अगर हमारी चीजें इकट्ठी, हमको दूर बढ़ानी, तो हमें चीजें चाहिए होंगी फैलाने वाला आइटम, तो हमारा ये वाला आइटम काम करेगा, यानी कि यहाँ पर हम यूज करेंगे हमारा कनकेव मिरर. ठीक, जैसे ही रखा तो ये चीजों को फैला के यहाँ रख देगा. ठीक, एंड मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय अवतल लेंस.
यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए हमें क्या चाहिए, अवतल लेंस, बस इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और क्यों चाहिए, क्योंकि अवतल लेंस क्या है हमारा, अपसारी लेंस है, यानी कि डाइवर्जेंट लेंस है। समझ गए आप? चलो ये बता दिए, देखो खत्म कर ही देते हैं इसमें, क्यों हम उसकी थ्योरी फालतू पढ़ेंगे। तो ये भाई साहब अब हम बताएंगे दूसरा वाला, हमारी आंख है सेम, हमारा रेटिना है, अगली जो लाइट्स आती हैं वो हमारे रेटिना से आगे ही चली जाती है। ठीक, ये केस किसका है, ये केस है हमारा रेटिना हाइपर मेट्रोपिया का, यानी कि दूर दृष्टि दोष का ये। ठीक, अब देखो इसमें आगे चला गया, हमको यहाँ पे लाइट चाहिए थी, अब हमको इनमें से कौन सा सही रहेगा, हमको चीजें पास में चाहिए ना, हमारे को जो इमेज बनानी है वो पास में चाहिए, यानी कि कन्वर्ट करना वाला आइटम चाहिए। तो यहाँ पे हम लगा देंगे सुटेबल क्या, कन्वेक्स मिरर। ठीक, कन्वेक्स मिरर लग जाएगा और ये जो आगे जा रही थी ये चीजें अभी इधर आ जाएंगी। खत्म, समझ गए आप, कुछ भी नहीं है। और सो कन्वे कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना। टिक टिक टिक। चलो हाइपरमेट्रोपिया बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज द फार साइटेडनेस। अ पर्सन जो हाइपरमेट्रोपिया है कैन सी डिस्टेंस, को दूर की चीजें दिखेंगी पास की नहीं दिखेंगी। ठीक, द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज, जो उसके लिए दूर हो जाएगा अभी फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट, जो कि हमारा 25 सेंटीमीटर दूर दिखेगा। तो सच अ पर्सन हैज टू कीप अ रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, से बहुत पास रखना पड़ेगा फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। एंड दिस इज बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम करती हैं अ क्लोजली ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, रेटिना से पीछे। एंड दिस डिफेक्ट अराइजेज ईदर बिकॉज, नंबर एक क्या हो सकता है कि द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग हो गई हो। ठीक, या दूसरा क्या हो सकता है, आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल। और दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर। एंड दिस इज इलस्ट्रेटेड, आई ग्लासेस विद कन्वर्जनल लेंसेज प्रोवाइड दी एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग ऑफ द इमेज ऑन द रेटिना। चलो ये तो डॉक्टर बताएंगे। प्रेस बायोपिया, इसमें दोनों होते हैं, जरा दृष्टि होता, हाँ सॉरी इसको मोतिक को नहीं होते हैं, इसको बोलते हैं जरा दृष्टि, अभी जस्ट याद आया। इसमें क्या होते हैं, दोनों होते हैं, हमारे को दोनों दिक्कतें हो जाती हैं बुढ़ापे में। सो द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजली डिक्रीज होती है विद एज के साथ साथ। ठीक है, फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस रिसीड्स अवे एंड दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस। एंड दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। ठीक, इट अराइजेस ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। समटाइम्स अ पर्सन मे सफर फ्रॉम बोथ, मायोपिया भी हो सकता है उसको, हाइपर मेट्रोपिया भी हो सकता है। एंड सच पीपल ऑफन रिक्वायर बाई फोकल लेंस ही उनको। ठीक है, अ कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेस। आप देखो इसमें क्वेश्चन यहाँ से बना था, जो हमारा बाईफोकल लेंस होता है ना उसमें ऊपर कौन सा लेंस लगा होता है, हमारा जो भी चश्मा होगा मान लो है ना, ऊपर कौन सा लेंस लगा होगा, नीचे कौन सा लेंस लगा होगा। तो नीचे होता हमारा कन्वेक्स लेंस, ऊपर होता हमारा कनकेव लेंस। ठीक, सो द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ अ कनकेव लेंस, इट फैसिलिटेट डिस्टेंस विजन, एंड द लोअर पार्ट इज कन्वेक्स लेंस, जो कि नियर विजन के लिए से होता है। These days it is possible to correct the refractive defects with contact lenses or through surgical interventions वगैरह वगैरह। Just a second, कितना time हो गया? 23 minutes। Not thinking कि ये इसमें हो पाएगा। बहुत तो लंबा chapter है। अगर आपको interest आए तो बताओ, एक ही में करा दूँ मैं। पॉसिबल तो नहीं दिखाया, चलो देखते हैं, पानी पीने दो। 30-40 मिनट का हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यार, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेट्स टॉक ओवर, थिंक इट ओवर। यू टॉक ऑफ वंडर्स थिंग्स यू सी, यू से द सन शाइन्स ब्राइट। ठीक, आई फील हिम वार्म, बट हाउ कैन ही और मेक इट डे और नाइट, लेट्स सी। सो डू यू थिंक दैट आवर आईज कैन लिव इवन आफ्टर, हमारी डेथ के बाद भी, बाय डोनेटिंग आवर आईज आफ्टर वी डाई वी कैन लाइट द लाइफ ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन। हमें पता है अबाउट 35 मिलियन पीपल इन दिस डेवलपिंग वर्ल्ड आर ब्लाइंड एंड मोस्ट ऑफ देम कैन बी क्योर्ड। अबाउट 4.5 मिलियन पीपल विद कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कैन बी क्योर्ड थ्रू कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ
समझ गए, डोनेटेड आईज। अगर हम आई डोनेट करते हैं तो पता है कौन सा पोर्शन था हमारा, कॉर्निया वाला। आउट ऑफ दीज 4.5 मिलियन 60% ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12, सो वी इफ वी हैव गॉट द गिफ्ट ऑफ विजन व्हाई नॉट पास इट ऑन टू समबडी हु डज इट नॉट हैव इट, व्हाट डू वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन आईज हैव टू बी डोनेटेड। सो आई डोनेट्स डोनर्स कैन बिलोंग टू एनी एज ग्रुप और सेक्स, ठीक कोई हो सकता है। पीपल हु यूज स्पेक्टिकल्स और दोज ऑपरेटेड फॉर कैटरेक्ट कैन स्टिल डोनेट द आईज, ठीक। पीपल हु आर डायबिटिक हैव हाइपरटेंशन अस्थमा है पेशेंट है अस्थमा के पेशेंट है एंड दोज विदाउट कम्युनिकेबल डिजीज कैन ऑल्सो डोनेट है, जिसको कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है वो कर सकते हैं। बट persons who are infected with the disease of AIDS है, जिसको hepatitis B या C है, rabies है, acute leukemia है, tetanus है, cholera है, meningitis है या फिर encephalitis है, वो अपनी आंखें डोनेट ना करें प्लीज। आईज मस्ट बी रिमूव 4 से 6 घंटे, डेथ की 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर रिमूव होनी चाहिए थी। द आई बैंक टीम विल रिमूव द आई, ठीक। आई रिमूवल टेक 10 से 15 मिनट लगते हैं एंड आई बैंक कलेक्ट करती है, एवेल्यूएट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है द डोनेटेड आईज। ऑल आईज डोनेटेड आर evaluated using strict medical standards. Those donated eyes found unsuitable for transplantation are used for valuable research and medical work. ठीक है। The identities of both the donor and the recipient remain confidential. One pair of eyes gives vision to up to 4 corneal blind people. Refraction of light through a prism. So you have learned how lights get refracted through a rectangular glass slab for parallel refracting surface as in glass slab. The emergent ray is parallel to the incident ray. हमें पता है आने वाली जाने वाली के बराबर होती है। हालांकि it is slightly displaced laterally. How would light get refracted through a transparent prism? So consider a triangular glass prism. ठीक? If has two triangular bases and three rectangular lateral surface, these surfaces are inclined to each other. The angle between two lateral surface is called the angle of prism. Let us do an activity. To study the refraction of light through a triangular pass prism. अरे कुछ नहीं है, ये क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे, प्रिज्म लेंगे, लाइट पास करेंगे और लाइट इधर उधर बट जाएगी 7 कलर्स में, उसको बोल देंगे ये बेव की ओर, ठीक। बस और कुछ नहीं करेंगे, ये एक्टिविटी उन्होंने की बोला था ना, लेकिन यहाँ पे एंगल भी चेंज होता है, क्यों आपको बताया था ना मैंने, मीडियम चेंज होगा तो एंगल चेंज होगा। इफ यू रिमेम्बर, अगर आप डेंसर यानी कि सघन से बिरल में जा रहे हो, यानी कि डेंसर टू रेयर में जा रहे हो, डी टू आर में जा रहे हो, तो आप अबे टू नॉर्मल हो जाओगे, ठीक, नॉर्मल से दूर हो जाओगे, अविलंब से दूर। और अगर आप बिरल से सघन में जा रहे हो तो टूवर्ड्स नॉर्मल, यानी कि ठीक और हो जाओगे, समझ आया। यहाँ पर उन्होंने उसकी कहानी दे रखी है कि कौन इंसिडेंट है, पीई इंसिडेंट रे है, EF हमारी रिफ्लेक्टेड है निकल गई, अच्छा EF हमारी रिफ्लेक्टेड है और FS हमारी निकलती है इमर्जेंट रे। कोण I है एंगल एंगल इंसिडेंस का, कोण R क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, ठीक, और कोण E है एंगल ऑफ इमर्जेंस का, कोण D है एंगल ऑफ डेविएशन का। ऐसे जाननी चाहिए थी, विचलन इतना हुआ है, ये कोण D है, कुछ नहीं है, ये सब कहानी दे रखी है। अब बात करते हैं हमारी dispersion of white light by a glass slab. भैया you must have seen and appreciated the spectacular colors in a rainbow. You how could the white light of the sun give us various colors of the rainbow? So before we take up this question, we shall first go back to the refraction of light through a prism. The inclined refracting surface of a glass prism. So exciting phenomena. Let's see. Light pass हुई 7 कलर निकले नीचे से ऊपर with pure. So the prism has probably split the incident white light into a band of colors. May note the colors that appears at the two ends of the color band, and what is the sequence of colors that you have seen on the screen? The various colors seen are. ये सब हैं कौन से? Wave pure हमारे. ये mnemonic है, उठा लेना, याद कर लेना. नीचे violet है, ऊपर है red. ठीक. So the band of the colored components of a light beam is called its spectrum. है ये. You might not be able to see all the colors separately. ठीक है. Yet something makes each color distinct from the other. The splitting of light into its component color is called dispersion. समझ रहे हो ना? The splitting of light into its component colors. प्रकाश का अपने रंगों में विभक्त होना क्या बोलता है? Dispersion of light.
प्रकाश का डिस्पर्शन, तो बोलेंगे शायद प्रसार विक्षेपण हिंदी में, ठीक। यू हैव सीन दैट व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू सेवन कलर्स कंपोनेंट्स बाय अ प्रिज्म। व्हाई डू वी गेट दीज कलर्स? डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट वेंट थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू अ प्रिज्म। जैसे कि द रेड लाइट वेंट्स द लीस्ट, सबसे कम कौन सी वेंट करती है? हमारी रेड लाइट, ठीक। वाइल द वायलेंट द मोस्ट, दस द रेज ऑफ विच कलर, सॉरी द रेज ऑफ ईच कलर इमर्ज करती है अलॉन्ग डिफरेंट पाथ एंड दस बिकम डिस्टिंक्ट। इट इज बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर्स दैट वी सी इन द स्पेक्ट्रम। हमारे न्यूटन भाई साहब, आइजक न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट फर्दर वाई यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म। हालांकि ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स। He then placed a second identical one. पहले एक रखा फिर दूसरा रखा, then he got it. And this allowed all the colors of the spectrum to pass through the second prism. He found a beam of light, white light emerging from the other side. जैसे उन्होंने पहले एक रखा और एक उल्टा के दूसरा रखा, इधर से गया कलर यहाँ पे बदले, सात कलर हुए, सातों कलर यहाँ पे मिले और यहाँ से फिर निकल गया कैसा व्हाइट कलर, जैसा आया था वैसे निकल गया, ठीक। So this observation gave Newton the idea that the sunlight is made up of seven colors. So any light that gives a spectrum similar to that of sunlight is often referred to as white light. So a rainbow kya hai? Is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. It is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets, jo ki hai kahan present atmosphere mein. So a rainbow is always formed in a direction opposite to that sun. वेरी इंपॉर्टेंट है ये, रेनबो किधर होता है हमेशा? अगर इधर सूरज है तो हमेशा इधर फॉर्म होगा, क्योंकि सूरज की किरणों से क्या होगा, जो भी प्रकाश जल की बूंदें होंगी उन पर प्रकाश टकराएगा और उसका क्या हो जाएगा, सेवन सेवन कलर्स में वो डिवाइड हो जाएगा। गॉट इट? सो द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म, वो रिफ्रैक्ट करती हैं, डिस्पर्स कर देती हैं द इंसिडेंटल सनलाइट को एंड देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप due to the dispersion of light and internal reflection. Two processes, different colors reach the object's eye. Okay? You can also see a rainbow on a sunny day when you look at the sky through a waterfall or through a water fountain with the sun behind you. Atmospheric refraction ki baat karte hain. You might have observed the apparent random wavering or flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator. तो air क्या होती है? Just above the fire becomes hotter than the air further up. आपको पता ही है, गैस के चूल्हे के आसपास थोड़ी ज़्यादा हीट गर्म होगी, ऊपर वाली हवा कम गर्म होगी ना। The hotter air is lighter. गर्म हवा होती है आपको पता, हल्की होती है, वो ऊपर उठ जाती है, ठीक। कूलर हवा ठंडी होती है तो वो नीचे बैठ जाती है and has a refractive index slightly less than that of the cooler. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा? गर्म हवा का। सिंस द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम आर एयर दैट इज नॉट स्टेशनरी, सो द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट करती है। दिस वेवरिंग इज दस एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ की एटमॉस्फेयर से ऑन अ स्मॉल स्केल इन आवर लोकल एनवायरनमेंट। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज अ सिमिलर फिनोमेना ऑन मच लार्जर स्केल। तो बस यही पूछेगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसमें क्या होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है अंडरगोज रिफ्रैक्शन कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है ना उसका, बिफोर इट रीचेज द अर्थ। सो द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पर बदलता रहता है। एंड सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स स्ट्रेट स्टार लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी as was the case in the previous paragraph. Since the stars are very बहुत दूर हैं, they approximate point-sized source of light as the path of rays of light coming from the star goes on varying. बहुत सारे slightly होते हैं इसमें, apparent position of the star
फ्लक्चुएट करता है एंड द अमाउंट ऑफ स्टार लाइट इमर्जिंग सॉरी एंटरिंग इन द आई फ्लिक करती है. स्टार समटाइम अपीयर्स ब्राइटर, कभी चमकीला दिखाई देता है कभी डिम. सो व्हाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल, प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं भाई जब चांद तारे ऊपर हैं तो बड़े बड़े ग्रह भी हैं. सो द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर, वो बहुत क्लोजर है टू द अर्थ एंड आर द सीन एज एक्सटेंडेड सोर्सेज. इफ वी कंसीडर अ प्लैनेट एज अ कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज sources of light, the total variation in the amount of light entering our eye from the all the individual point size sources will average out to zero and thereby nullifying the twinkle effect. सारी चीजें मिला के जीरो हो जाएगा उसका एवरेज, किसका, जो हमारा एंटरिंग लाइट है ना, ठीक, टोटल उनका वेरिएशन जीरो हो जाएगा अगर हम बात करें सबकी. तो एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, आपने कभी देखा होगा सनराइज 2 मिनट पहले हो जाती है, 2 मिनट बाद सनसेट होता है, तो ये किस वजह से होता है, इसी वजह से होता है. द अपेरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन्स डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट इज आल्सो ड्यू टू द सेम फिनोमेनन दैट इज योर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अब बात करते हैं हम प्रकाश का विकिरण. तो द इंटरप्ले ऑफ लाइट विद ऑब्जेक्ट अराउंड us gives rise to several spectacular phenomena in nature. The blue color of the sky, aasman neela, color of water in deep sea, samundar ka color pani neela, the reddening of the sun at sunrise and sunset, ugte aur chhipte samay suraj ka rang lal, are some of the wonderful phenomena are we familiar with. And in the previous class you have learned about the scattering of light by colloidal particles, the path of a beam of light passing through a tube solution is not visible. theek ye dekho Tyndall effect aapne suna hoga ki ये कोई बिल्डिंग है, इसमें कोई छोटा सा छेद होता है, अगर आप इधर खड़े हो अंधेरा रूम में, अगर इधर से कोई लाइट आएगी ना हल्के से तो आपको दिखेगी, जिसके रूम के अंदर अगर मान लीजिए हमारी सनलाइट आ रही तो रूम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना उसमें इस पर्टिकुलर के आसपास के पार्टिकल्स हमको दिखाई देंगे. तो दैट इज योर टिंडल इफेक्ट, दैट इज इट. सो व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, मैं आपको ऐसे बता दूं, हमारे आसमान में क्या है, एटमॉस्फेयर है, बहुत सारी हवाएं गैस वगैरह हैं, ठीक है, हमारे सब कौन सा कलर वाटर वेपर हमारे आसमान में है, जब वाटर वेपर है हमारे ऊपर जब मतलब क्या आता है, सनलाइट आती है, लाइट आती है वाटर वेपर से रिफ्लेक्ट होती है, 7 कलर्स में डिवाइड होती है. लेकिन 7 कलर में डिवाइड होने में भी विव ग्योर में सबसे ज्यादा क्या है, वाटर वेपर है, और वाटर वेपर का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है. तो इस वजह से हमको तो वो ब्लू को सबसे ज्यादा क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक. अब ब्लू सबसे ज्यादा चमकेगा तो हमें आसमान कैसे दिखेगा, ब्लू. सेम विद योर दैट थिंग योर ओशन, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर है देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, ठीक. दीज विजिबल लाइट में हमारे कौन से आते हैं, बेबियोर वाले, ए वाले कलर, ठीक. दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ एट द ब्लू एंड एंड देन लाइट ऑफ अ लॉन्गर वेव एट द रेड एंड. देखो इसमें जो ब्लू इधर वाले जो बीपीओर में सबसे नीचे वायलेट इंडिगो या ब्लू और रेड वाला होता है ये सबसे कम होता है, इसकी वेवलेंथ कैसी होती है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है लेकिन उसकी, इसलिए ये सबसे कम रिफ्लेक्ट होता है, ठीक. तो इसका विचलन, रेड वाले का विचलन सबसे कम होता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं कहाँ पे, हमारे डेंजर सिग्नल्स वगैरह में, ठीक है. सो द रेड लाइट हैज अ वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम ग्रेटर है उससे, किससे, ब्लू लाइट से. दस जब सनलाइट पास करती है थ्रू द एटमॉस्फेयर तो द फाइन पार्टिकल्स इन द एयर स्कैटर द ब्लू कलर, इसकी वेवलेंथ छोटी है मोर स्ट्रांगली देन रेड, स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर करती है हमारी आंखों में एंड इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर तो हमको एक ऐसा दिखता, काला दिखता, ठीक. So the sky appears dark to passengers flying at the very high altitudes as scattering is not prominent at such heights. You might have observed that danger signals lights are red in color. क्यों? क्योंकि इसको the red color is least scattered by fog या फिर smoke के द्वारा. Therefore, it can be seen in the same color at a distance. ठीक है, इसमें color गायब नहीं हो जाता. Next is color of the sun at sunrise and sunset. ठीक. So have you seen the sky and sun, sky and the sun at sunset or sunrise? 2 minutes पहले color
एकदम लाल गोल गुब्बार, लाल गुब्बार हो जाता है। सो सन एंड द सराउंडिंग स्काई अपीयर रेड, तो इसके बारे में क्या बात है? देखो, यू विल फाइंड फाइन माइक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल्स प्रेसिपिटेशन, ये इसकी बात कर रहा है। अच्छा, ये उन्होंने कुछ एक्टिविटी की है, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द ब्लूइश कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज और द सनसेट। लाइट जो होती है फ्रॉम द सन नियर द होराइजन पासिस थ्रू थिकर लेयर्स, मतलब सरफेस के साथ साथ नीचे ठंडी हवा होती है, ठीक, मोटी परत होती है हवाओं की, एंड लार्ज डिस्टेंस, डिस्टेंस ज्यादा चलती है ऐसे, ठीक, एंड इन द अर्थ के एटमोसफेयर में बिफोर रीचिंग आर आईज, ये ज्यादा चलती है। तो हालांकि लाइट फ्रॉम द सन हमारे ऊपर ओवर द हेड है, वो टू द सीधे पहुंचेगी हमारे पास, बट इधर से इनको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है होराइजन में, और इधर से इनको डिस्टेंस, ये देखो ये ज्यादा डिस्टेंस है ना एटमोसफेयर का, मान लो ये एटमोसफेयर ना ब्लू वाला, ये डिस्टेंस ऊपर से कम है और इधर ज्यादा है, ठीक। सो द लाइट फ्रॉम द सन ओवर हेड वुड ट्रेवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस, इसको शॉर्टर डिस्टेंस है, ठीक, एट नून, बट द सन अपियर्स व्हाइट एज ओनली अ लिटिल ऑफ ब्लू एंड वायलेट कलर्स आर स्कैटर्ड, क्योंकि इस टाइम पे सबसे कम स्कैटर होता है ब्लू कलर, ठीक, क्योंकि डिस्टेंस कम होता है। नियर द होराइजन क्या होता है? मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड अवे फॉर द पार्टिकल्स, सो देयरफॉर द लाइट दैट रीचेस आवर आईज इज अ लॉन्गर वेवलेंथ की पहुंचती है, क्योंकि छोटी मोटी लाइट्स तो रिफ्रैक्ट हो जाती है, सॉरी स्कैटर हो जाती है, ठीक, तो बचती है हमारी रेड कलर, तो इसलिए हमको रेडियस अपियर होता है। अभी तो हमने पढ़ा गया द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस ऑन बोथ नियर एंड डिस्टेंस विजन बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द एकोमोडेशन ऑफ आई, पता है हमें। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई, और उसका डिस्टेंस विजन कितना होता है 25 सेंटीमीटर। कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन इंक्लूड मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। इन द सेम इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिफोर द रेटिना करेक्ट बाय कनकेव लेंस, हाइपरमेट्रिया में फार साइट इन द इमेज ऑफ नियरली ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बियॉन्ड द रेटिना सेलेक्ट बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर, द आई लॉसेस इट्स पावर ऑफ हाइपरमेट्रिया, ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइन टू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। लास्ट हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट कॉज करता है ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड द रेडनिंग ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कि द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंथ, दिस इज ड्यू टू द भाई ऑब्वियसली एकोमोडेशन, इससे तो हमारे क्या होता है 25 सेंटीमीटर होता है, ये इंफिनिटी है। प्रेसबायोपिया में दो चीजें होती हैं, नीचे कन्वेक्स मिरर, ऊपर नहीं ठीक है, हाँ सही सही क्या बोलूँ, प्रेस बायोपिया में जो हम लेंस यूज करते हैं उसमें नीचे होता है हमारा कन्वेक्स मिरर उत्तल, ऊपर होता है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक, बस इसका करेक्ट आंसर है एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द खुल जा सबसे, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट, ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहाँ बनाता है? रेटिना पे, कंफ्यूज हो गए ना, देखो मैंने बोला था द लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन फॉर यंग अडल्ट कितना 25 मीटर है, 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भाई साहब। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द ऑक्शन ऑफ द, अब इसमें कंफ्यूज हो गए, आयरिस कंट्रोल करता है प्यूपिल को, ठीक, लेकिन इन सबको सिलेरी मसल्स होती है जो मेन हेड होती है, ठीक, तो इसका आंसर होगा सिलेरी मसल्स। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय सिलेरी मसल्स, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये पतली हो जाती हैं, पतली हो जाती है तो हमें दूर का दिखता है, और जब ये सिकुड़ती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है, लेंस मोटा जाता है तो हमें पास का दिखाई देता है, भूल गए। चलो ये चैप्टर हमारा खत्म, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, आई होप आपने टाइम दिया तो आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। मेक नोट्स, विल प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ मॉक क्वेश्चंस जस्ट आफ्टर फिनिशिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, जनवरी के लास्ट तक मैं खत्म कर दूंगा, गारंटी यार। चलो We'll see you in the next video. If you have a problem, just do WhatsApp on this number. I'm telling you, a free initiative. I don't take it as ki bhai kuch bhi nahi hai isme. I tell you, isme sab kuch hai. And even a single question out of this particular humare usse nahi hoga. Theek? Aapko guaranteed exam clear hoga. Chalo. Let's see you in the next video. Till then, bye bye. Take care, yaar.